लर्न टू ट्रेड के सेशन नंबर 18 में दोस्तों आपका स्वागत है मैं हूं विवेक बजाज और मैं सिखा रहा हूं ट्रेडिंग अनुपूर्णा जी को हेलो हेलो सर कोरोना आ गया मास्क ऑफ यू चलो अच्छा है हम लोग में से कोई भी एक अगर मास्क पहन के रखे तो स्प्रेड होने के चांसेस कम हो जाते हैं तो आ, वैसे भी आ, आप ज्यादा बात करते नहीं हो ज्यादा प्रश्न पूछते नहीं हो मैं ज्यादा बात करता हूँ तो आप ही मास्क पहनो और एक मौका मुझे मिल गया कि मैं ही ज़्यादा बात और करूँगा सर सेवनटीन हैव ऑलरेडी बीन डन एंड सो मच हैज बहुत बड़ा इनफैक्ट mm -hmm. जितना मेरे अंदर था सब निकाल निकाल के दे रहा हूँ आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक है अठारहवा सेशन भी होगा अभी और उन्नीसवा भी होगा बीसवा होगा इक्कीसवा होगा प्लानिंग ये है कि पचास सेशन तक करेंगे और मोटा मोटी आपको एक मल्टी एसेट ट्रेडर के रूप में डेवलप करेंगे काफ़ी लोग मुझे बोल रहे हैं कि सर आप कमोडिटी करेंसी और ये सब क्यों सिखाएं उनको तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ट्रेडिंग जब आप करियर बनाने का सोच रहे हो तो सिर्फ इक्विटी मार्केट में एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी पे मैं काम करूं वो माइंडसेट मत रखो हम इक्विटी भी सीख रहे हैं कमोडिटी सीख रहे हैं करेंसी सीख रहे हैं और भी सीखेंगे ताकि कभी भी किसी भी मार्केट में किसी भी तरह का अपॉर्चुनिटी हमको मिले तो हम उसको लैच कर सकें okay. और जो भी हम स्टडी सीख रहे हैं वो सारे स्टडी का सारे मार्केट में एप्लीकेबिलिटी है चाहे हमने मूविंग एवरेज सीखा है चाहे हमने सुपर ट्रेंड सीखा है चाहे हम कोई भी तरह का वॉल्यूम uh, डिलीवरी ये सब बातें कर रहे हैं इन सब का सारे मार्केट के अंदर में रेलिवेंस है पर हम चालू इक्विटी से कर रहे हैं बट धीरे धीरे हम सारी चीज़ों में एक एक करके जाएंगे आज बहुत अच्छा टॉपिक है Okay. आपका फेवरेट है? कौन सा सर बहुत दिन से आप बोल रहे थे कि सर ये टॉपिक पढ़ा दीजिए पढ़ा दीजिए बट मैं अवॉइड कर रहा था पर आज पढ़ा ही देता हूँ वो है कैंडल स्टिक फाइनली फाइनली कैंडल स्टिक क्योंकि दिखा मैं आपको बहुत दिन से रहा था कैंडल और मैं आपको पढ़ा नहीं रहा था अनुपूर्णा जी कैंडल तो आपके लाइफ में ही रहा ही है नहीं कैंडल्स जो घर right. पे यूज करते हैं हाँ सर तो एक कैंडल होता है जो एकदम नया ब्रांड कुछ कैंडल होते हैं जो ऐसे शेप हो जाते हैं कुछ कैंडल के शेप टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं हर कैंडल कुछ ना कुछ तो बोलता ही ना क्यों और हर ओकेजन के लिए अलग तरह का कैंडल होता है नहीं बर्थडे के लिए अलग तरह के कैंडल होता है कैंडल लाइट डिनर्स के लिए अलग तरह के कैंडल्स होते हैं क्यों हर एक कैंडल दिखने में अलग होता है तो इसलिए उसका वाइब अलग होता है एग्जैक्टली और वो अलग लैंग्वेज या अलग फीलिंग आपको देता है करेक्ट right. नहीं तो एक स्टैंडर्ड कैंडल जो पहले के जमाने में हम लोग यूज करते थे वो गोल कैंडल होता था इतना बड़ा घर पे लाइट गई तो वो कैंडल चला दो वो सबसे स्टैंडर्ड और सबसे यूनिफॉर्म कैंडल बट जैसे जैसे दुनिया में अलग अलग एस्पेक्ट पे इमोशंस आते गए वैसे वैसे कैंडल के भी साइज शेप चेंज होते गए स्टॉक मार्केट में जब हम कैंडल्स की बात कर रहे आप वही इमेजिन करो कि हर कैंडल कुछ कहता है ओके। okay. और उस कैंडल से हमको समझना है कि वो क्या बोलना चाह रहा है ओके। okay. बट पहले हम लोग समझेंगे कैंडल होता क्या है। तो अनुपूा जी ये टेम्पलेट आपको याद होगा जो अपन लोगों ने बना रखा है जिसमें आपके स्टॉक्स भी मैंने डाल रखा है और इसमें हमने अभी तक तो हम लाइन चार्ट पे ही चर्चा करते थे तो ये लाइन जो है इसको मैं आज आपके लिए कैंडल में कर देता हूं तो ये कैंडल है बेसिक मैंने कैंडल का आपको बताया था कि एक वो ओपन हाई लो क्लोज उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन का उसको दर्शाता है एक काम करते हैं एक्सेल खोलते हैं थोड़ा इंटरेस्टिंग करते हैं इस डिस्कशन को आपको तो पता है ना मुझे एक्सेल गिरी कितनी पसंद है या सो so, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं सो डेट Open, High, Low, Close, ठीक है फर्स्ट जनवरी 2021 ऐसे लिख रहा हूँ मैं ओपन कोई स्टॉक है जो ओपन हुआ है दो सौ रुपये में हाई बनाए हैं 210, लो बनाए हैं एक सौ और क्लोज हुआ है 208 पे ये जो सेटअप है ये कुछ बताने की कोशिश कर रहा आपको

स्टॉक यहां पर है कैंडल ओके कर लीजिए तो यह बन गया कैंडल ठीक है अब इस पे अपने थोड़ा सा खिलते हैं इसके साथ में तो अनुपूा जी यह कैंडल बहुत ही सिंपल कैंडल है यह क्या कर रहा है दिस कैंडल इज़ बेसिकली ओपन हाई लो क्लोज को दिखा रहा है क्योंकि यह वाइट कैंडल है इसका मतलब ओपन यहां हुआ था क्लोज यहां हुआ है हाई यहां हुआ है, लो यहां हुआ है ठीक है हमारे एक्सेल में व्हाइट है कोई और सॉफ्टवेयर में हो सकता है ये ब्लू कैंडल हो जाए या कोई कोई और कलर हो सकता है बट जो मुद्दा ये है कि ओपन और क्लोज में डिफरेंस में क्लोज ऊपर है ओपन के उल्टा कर लेते हैं चलिए एक काम करते हैं कि ओपन को अपने आ, ऊपर कर लेते क्लोज को नीचे कर लेते क्लोज एक सौ अस्सी कर लेते देखिए डार्क हो गया okay. right. डार्क ये हुआ है कि हाई right. है 210 जो कि ये लो है 198 नाइनटी एट राइट क्या हो सकता है नहीं सर, क्योंकि क्लोज अगर 180 एटी है तो क्या बात है अनुपूणा जी तो लो तो कम से कम एक होगा ही, हो सकता है लो एक बनाया हो mm -hmm. लेकिन कम से कम एक तो हो गई क्योंकि क्लोज ही जब एक है तो लो तो इसके नीचे जा नहीं सकता है सेम कॉन्सेप्ट हाई पे भी एप्लीकेबल है क्या yes, हा yes. क्या बात कर रहे हैं एक बार इसको 210 कर लेते हैं 220 कर लेते mm -hmm. तो 210 का हाई बनाए हैं क्लोज हुआ है 220 तो हाई 210 तो नहीं होगा ना ये तो 220 सौ मिनिमम होना चाहिए करेक्ट hmm. right. चलते हैं वापस अपने इसको अंडू कर लेते हैं इसमें आ जाते हैं पुराना एग्जांपल में चलते हैं सबसे पहले वाले में चलते हैं कहाँ है जी आ जाइए इसमें ठीक है hmm. देखिए कैंडल सीखना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है okay. बट मैं इसको बहुत सिंपल करने की कोशिश कर आपके साथ ठीक है इतना तक तो समझ में आ गया hmm. ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है ये ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जब शेयर खुला था 200 का भाव पे उसने लो बनाया है एक सौ अंठानबे हो सकता है खुलते ही लो बनाए हो सकता है खुलने के बाद ऊपर जाने के बाद लो बनाए वो इंट्राडे कुछ भी हो सकता है वो इसमें नहीं दिखेगा ये सपोज एंड ऑफ द डे है तो इंट्राडे में ये ऊपर जाके नीचे आया कि नीचे से ऊपर गया ये हमको नहीं पता है उसके लिए हमको इंट्राडे चार्ट देखना पड़ेगा बट ये पूरा दिन भर का चार्ट का ये एक समरी है जो ये बता रहा है कि खुला 200 पे लो बना है एक सौ अंठानबे हाई है 210 क्लोज हुआ है 208 पे इसका मतलब तेजी वाले स्ट्रांग है कि मंदी वाले स्ट्रांग है देख के क्या लग रहा है सर तेजी वाले तेजी वाले स्ट्रांग लग रहे हैं देख के हु? अब मैं आपको बोलूं कि ये क्लोज हुआ है 202 पे अब आप बताइए तेजी वाले स्ट्रांग है कि मंदी वाले स्ट्रांग है तो अगर हाई 210 हुआ है तो इसका मतलब एक बार तो तेजी वाले गए बट फिर मंदी वाली ज्यादा क्या बात है अनुपुना जी बहुत इम्प्रेसिव तो दोस्तों ये कुछ रिकॉर्डेड नहीं है स्क्रिप्टेड नहीं है मैं मैं बहुत इम्प्रेस हो रहा हूँ अनुपुना आपके जवाब से दो गया बट किसी न किसी ने बेच दिया और क्लोज हुआ है अपना लो के पास में तो आप देखो ये पूरा कैंडल स्टिक का बॉडी के तीन पार्ट्स हैं बॉडी ऊपर का विक और नीचे का विक ठीक है बॉडी का साइज बताएगा कि कितना डेस्परेशन है किसको ठीक है ऊपर का विक बताएगा कि जितना ऊपर का डंडा लंबा होगा उतना देर इज एन इशू कि हाई के बाद नीचे क्यों आ गया नीचे का बॉडी बताएगा कि जितना नीचे का विक लंबा होगा उतना देर स्ट्रेंथ कि कोई ना कोई ने लो से खरीदा है जोर से इसीलिए तो वो ऊपर आया ठीक है right. Right. हर पैटर्न को एक नाम दिया गया कैंडल स्टिक में क्या इतना डीप स्टडी हो चुका है इनफैक्ट कई लोग ऐसा है जो कैंडल स्टिक पे ही पूरा रिलाय करके मार्केट पे ट्रेड करते हैं कि ये कैंडल पैटर्न बना है तो मैं इसी पैटर्न के हिसाब से ट्रेड करूंगा okay. दो तरह के पैटर्न होते हैं कैंडल स्टिक में भी एक स्टैंड लोन एक कैंडल का पैटर्न और एक पैटर्न होता है कि तीन चार कैंडल्स एक साथ जब आ रहे हैं तो फिर एक पैटर्न बनता है okay. कि पहला दिन ये हुआ दूसरा दिन ये हुआ तीसरा दिन अच्छा तीनों टाइम ये हुआ है तब तो चौथा से ये होने का चांसेस ज्यादा है तो व्हेन यू कंबाइन मल्टीपल कैंडल्स देन देर इज अ पैटर्न वेन यू मेक अ जजमेंट बेस्ड ऑन ओनली वन कैंडल देन इट्स पैटर्न राइट राइट right? right. जब कैंडलस्टिक चालू हुआ था तो पे कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है, का वीक होता जा रहा है। okay. तो अब क्या है दो तीन कैंडल यूज करके एक सेंटिमेंट जज किया जाता जा है कि पहला में यूआ दूसरा में युवा तीसरा में और चांसेस में ये होगा यहां से शायद स्टॉक रिवर्सल दे देगा कंटिन्यू करेगा ओके सो कैंडल स्टिक जब मल्टीपल कैंडल्स का पैटर्न निकालते हैं तो या तो हम कंटिन्यूशन पैटर्न निकालेंगे कि यह तेजी का रैली शायद कंटिन्यू करेगा बिकॉज तीसरा कैंडल या चौथा कैंडल ये बोल रहा है या रिवर्स कर जाएगा कि अरे ये क्या हुआ तीन कैंडल के बाद चौथा ऐसा हो गया इसका मतलब रिवर्सल आ सकता है तो उल्टा जाओ ओके okay. ठीक है हाँ. तो आप स्टैंड अलोन कैंडल का शेप के बारे में समझ गए ना हुँ. अब आगे बढ़ते हैं देखिए यहां पर कितने सारे कैंडलस्टिक अब आपको एक साथ मिल रहे हैं राइट right? और हर कैंडल कुछ कहता है तो ये कैंडल कुछ कह रहा है तो अभी हम लोग टाटा स्टील देख रहे हैं टाटा स्टील के अंदर में अभी का प्राइस आज का प्राइस अपने 7 अप्रैल को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अभी तक का ये कैंडल है कल ये कैंडल हुआ था ये कैंडल क्या बोल रहा था ये कैंडल तो इसका मतलब क्लोज नीचे हुआ है ओपन से क्लोज नीचे हुआ है बराबर राइट तो मतलब बेचने का कैंडल है कोई ना कोई बेचा है right. मतलब वीकनेस दिखाया है स्टॉक ने okay. जरूरी नहीं है कि वीक ही है mm -hmm. वीकनेस दिखाया a difference between how we है डिफरेंस बिटवीन हाव ए वीक है और एक है कि कुछ वीकनेस दिखा रहा है ओके okay. राइट okay. right. Right. right? क्योंकि इतना दिन से ये तेजी में है hmm. तो हो सकता है यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग हो रहा हो hmm. हमको ये जज करना है कि इंटेंसिटी कितना हाई है ओके okay. सेलिंग का या बाइंग का अगर ये अपने हाई से बहुत ज्यादा गिरा हुआ है नीचे तब मतलब इंटेंसिटी बहुत हाई है अगर अपने ये लो से बहुत ज्यादा ऊपर बढ़ा हुआ है तब इंटेंसिटी बहुत स्ट्रांग है बाइंग का okay. और ये जो बॉडी है hmm. ये बॉडी क्या बताता है कि दिन भर में इसके अंदर में क्या रेंज बना है बिकॉज hmm. ओपन और क्लोज का डिफरेंस टेक्निकली हाई और लो का डिफरेंस को रेंज बोलते हैं hmm. बट ओपन और क्लोज के बीच जो लड़ाई चल रही है लोगों की वो बॉडी के अंदर में दिखने लग जाती है राइट okay. right? तो ये ये एक पैटर्न है जिसमें आप कह सकते हैं कि ऐसा कोई पागलपन नहीं हो रहा है इस हुँ. दिन, दिन स्टॉक के अंदर में। जैसे इसके पहले वाला देखिए, ये क्या है एक तरह का पैटर्न है हुँ. ठीक है हुँ. अब आप उसको हैमर बोल लीजिए या कुछ भी बोल लीजिए एक तरह का पैटर्न है इसमें देखिए लो इतना नीचे था हुँ. लो से ऊपर कितना बंद हुआ ये? और ओपन और क्लोज के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है right. इसका मतलब ये पसले कि यहां से ये स्टॉक का रैली कंटिन्यू हो जाए hmm. क्योंकि लोग बेचने में इंटरेस्टेड नहीं है इसको जब भी ये स्टॉक नीचे जाता है लोगों का बाइंग इंटरेस्ट है राइट 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 सो आपको करना क्या है कि अभी आप वो नेम में मत जाइए देखिए नेम में ऐसा है कि मैं अगर ट्रेडिंग व्यू में हाँ बताइए सर जैसे कैंडल uh, जो जो कैंडल अभी अब हम लोग देख रहे थे उस कैंडल के नीचे जो टार है वॉल्यूम डिलीवरी यस तो सर uh, ये वाला कैनेट भी रेड सो जब हम ये पूरा सिस्टम को अपना डिजाइन कर रहे हैं uh -huh. तो आपको होलिस्टिकली ही देखना होगा राइट right. तो स्टैंडल ऑन कैंडल स्टिक देख के आप कभी भी डिसीजन नहीं लेंगे तो आप देखो जैसे जैसे मैं आप जो जो आपको पढ़ा रहा हूँ धीरे धीरे उसको मैं अपने आपके टेम्पलेट में ऐड करता जा रहा हूँ hmm. तो यहाँ वॉल्यूम भी ऐड होकर हो रखा है right. या मूविंग एवरेज भी ऐड हो रखा है और यहाँ पे सुपर ट्रेंड भी ऐड हो रखा है hmm. तो इस स्टॉक के अंदर में अगर ऊपर का ट्रेंड दिख रहा है बिकॉज ऑफ सुपर ट्रेंड एंड बिकॉज ऑफ मूविंग एवरेज और कैंडल का शेप भी मेरे को कंफर्ट दे रहा है क्यों ये शेप तो बहुत पॉजिटिव शेप है कैंडल का देन It's an added okay. Okay. So, आप अपने पूरे टेम्पलेट में ऐसे पांच hmm. पैटर्न्स या, इंडिकेटर्स या प्राइस एक्शन इनको आप जज करेंगे और उसमें से मेजोरिटी जब आप बोलेंगे कि हाँ ये सही लग रहा है तब फिर आप इसके अंदर में एंट्री करेंगे okay. let's, uh, let's अगर मैं सेटिंग में जाओ तो ये सारे पैटर्न इसने अभी हाईलाइट किया है आप और कर सकते हैं आप हैंगिंग मैन भी सिलेक्ट कर दो आरामी सिलेक्ट कर लो मॉर्निंग स्टार सिलेक्ट कर लो बहुत सारे पैटर्न्स उन्होंने ऑलरेडी बना के दे दिए हैं hmm. अब यहाँ पर देखो आपको इंडिकेशन मिल रहा है बी ई वॉट इज बी ई इनगल्फिंग पैटर्न वॉट इज इनगल्फिंग पैटर्न एट द एंड ऑफ द गि अप ट्रेंड अ रिवर्सल पैटर्न विल मोस्ट लाइकली अपेयर तो ये बोल रहे कि अगर कोई ट्रेंड रहा है

मैं ये नहीं चाहता हूं कि मैं हर वीडियो हर पैटर्न के लिए आपको एक वीडियो बनाऊ बिकॉज दीज आर आर सम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी थिंग्स देयर ऑन इंटरनेट मल्टीपल प्लेसेस तो मेरा वो ऑब्जेक्टिव नहीं okay. है मेरा ऑब्जेक्टिव आपको बताने का ये है कि देर कैन बी वेरियस काइंड ऑफ पैटर्न सम पैटर्न विल वर्क मोस्ट ऑफ द टाइम सम पैटर्न मे नॉट वर्क बिकॉज एवरी स्टॉक विल हैव प्रोपेंसिटी टू रिएक्ट ऑन अ सेट ऑफ पैटर्न विथ एक्सपीरियंस यू विल एक्चुअली कम टू नो कि किस स्टॉक में किस तरह का पैटर्न वर्क करता है राइट right. बिकॉज right. मैंने आपको एक बात बोली थी हर स्टॉक के पीछे एक ऑपरेटर है hmm. तो जरूरी नहीं है कि मॉर्निंग स्टार सारे स्टॉक्स में सिमिलर तरीके से वर्क करेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल एज यू प्रैक्टिस मोर यू कम टू नो अबाउट इट सो एक क्वेश्चन है या yeah. अगर सपोज uh, एक पैटर्न बनता है yeah? जिसमें एक सिंगल uh, uh, वो है yeah. विक Yeah. 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 So सिंगल मतलब लाइन मतलब मतलब, uh, right, right. right. में अगर नीचे वाला बड़ा लाइन है इसका uh -huh. मतलब नीचे से बाइंग आई है right. और ओपन और क्लोज सेम है hmm. अगर ऊपर वाला बड़ा लाइन है तो इसका मतलब ऊपर से सेलिंग आई hmm. है और ओपन और क्लोज से में तो अगर नीचे से बाइंग आई है तो मतलब स्ट्रेंथ है अगर ऊपर से सेलिंग आई है मतलब वीकनेस है ओके तो बहुत यही सिंपल कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना है कि विक के कौन सा विक लंबा है और बॉडी का साइज कितना है ओके तो जितना ज्यादा बॉडी का साइज होगा उतना ज्यादा वोलेटिलिटी उतनी ज्यादा वोलेटिलिटी उतनी ज्यादा दिन भर में लड़ाई चल रही है क्योंकि लड़ाई जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा अनसर्टेंटी और जितना बड़ा विक का होगा उतना ज्यादा सान है कि शायद ये स्टॉक में कुछ लोगों ने इंटर किया या कुछ लोगों ने एग्जिट किया हमेशा देखो ट्राई करो कि आप कैंडल जब भी स्टडी कर रहे हो तो हर कैंडल के अंदर भी आपको जाना होगा वो कैसे जाएंगे बताओ सर चार्ट को कन्वर्ट करिए एग्जैक्टली तो ये वन डे चार्ट इसका ये कैंडल है exactly, अब right. इस कैंडल के अंदर घुसना है मेरे को तो मेरे को इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटर चार्ट चार्ट आप टू चार्ट देखिए पैटर्न बनेंगे जो कि टू आवली के बेसिस पर बताएगा कि स्टॉक के अंदर में क्या चल रहा है अगर आवली करोगे तो वही कैंडल बनेंगे right. जो अवली बेसिस स्टॉक का जजमेंट आपको बताएगा राइट right? सो so, इफ यू वॉन्ट टू मेक अ जजमेंट ऑन स्टॉक ऑन ईओडी बेसिस खाली ईओडी का कैंडल देके मत बनाए जजमेंट जब आपको लग रहा है कि स्टॉक के अंदर में कुछ यूनिक या कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ कैंडल बना है तो फिर आप उसके अंदर में खुश जाइए इंट्रा डे चेक कीजिए और फिर इवेल्युएट कीजिए कि इंट्रा डे में कौन सा कैंडल में कुछ रिसोर्सफुल काम हुआ है okay. क्यों इंपॉर्टेंट है इम्पोर्टेंट कैंडल आइडेंटिफाई करना बहुत इम्पोर्टेंट है क्यों क्योंकि सर हर एक कैंडल एक ट्रेंड बताने का कोशिश कर रहे हैं और उस कैंडल के अंदर में कुछ हुआ है hmm. क्या होगा या तो कोई ऑपरेटर घुसा है या कोई ऑपरेटर निकला है राइट right. करेक्ट right. और अगर कोई ऑपरेटर घुसा है तो उस कैंडल का लो इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब भी उस कैंडल का लो टूटेगा तो वो ऑपरेटर भी घबराएगा ना और अगर ऑपरेटर निकला है मतलब शॉर्ट किया है तो उस कैंडल का हाई इंपॉर्टेंट है right. तो रेलिवेंट इंपॉर्टेंट कैंडल का हाई लो बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर फॉर यू ओके कुड बी अ स्टॉप लॉस नंबर आल्सो जो अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे hmm. और इट कुड बी अ पार्ट ऑफ अ डिमांड जोन और अ सप्लाई जोन राइट ओके राइट तो कई बार होता है जो मैंने आपको स्टॉप लॉस वाला वीडियो में बताया था कि तीन के स्टॉपलॉस लग सकते हैं तो वन ऑफ लॉस वॉज बेस्ड ऑन प्राइस प्राइस वॉज हाई लो ऑफ डे हाई लो ऑफ वीक सो कैंडल एक्चुअली हेल्प्स यू टू फाइंड आउट द इम्पोर्टेंट कैंडल जिसका हाई लो और इम्पोर्टेंट है ओके okay, ओके okay, तो मतलब कौन सा इंपॉर्टेंट कैंडल है जिसका लो मैं स्टॉप लॉस की तरह लगाऊ okay. जितना लंबा कैंडल होगा मतलब उतनी लड़ाई हुई है और उसके बाद अगर कोई जीता है लड़ाई के बाद तो उस लड़ाई का लो इंपोर्टेंट बन जाता है right. या hmm. दूसरा कैंडल स्टिक का एक फायदा होता है कि आपको एक बेटर रिप्रेजेंटेशन होता है मार्केट का खाली लाइन चार्ट से कहीं ना कहीं आपका रिप्रेजेंटेशन अधूरा लगता है बट द मोमेंट आप इसको कैंडल स्टिक में कन्वर्ट करिए आपको और अंदर का बात पता लगता है कि अंदर में और क्या चल रहा है okay. तो विजिबली जितना आप इसको ऑब्जर्व करोगे ना उतना आपको कैंडल स्टिक में कैंडल uh, स्टिक की भाषा के बारे में पता लगेगा और आप एक जजमेंट बनाना चालू करोगे मेरा सजेशन ये है कि स्टार्ट विथ फाइव कैंडल स्टिक पैटर्न और आप वो गूगल कर लेना कि टॉप फाइव कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसको मेरे को देखना चाहिए और वो पांच को आइडेंटिफाई करना चालू करो आप ट्रेडिंग व्यू भी यूज कर सकते हो और मैं एक और राय आपको दूंगा आप जब वेब डॉट जब कॉम में जाओगे तो है। ओके। okay. तो हमने स्कैंस बना दिए जिससे अगर कोई कैंडलस्टिक का पैटर्न फुलफिल हो रहा है तो वो स्टॉक्स के लिस्ट आ जाएंगे आपके पास में okay. और मैंने उसको कैटेगराइज भी करवा दिया है bullish, bullish मोटा मोटी मेजर कैंडलस्टिक पैटर्न हमने इसके अंदर में डाल दिया है जैसे बुलिश कंटिन्यूएशन स्कैन मतलब क्या है मतलब कि वो कितना अप ट्रेंड में जाते रहेगा करेक्ट कंटिन्यूएशन है तो दो तरह के पैटर्न है नेकलाइन पैटर्न और अपसाइड तासुकी गैप ओके नेकलाइन में अगर हम जाएंगे तो नेकलाइन का मतलब क्या है आप यहाँ पर आई करो तो ये बता देगा नेकलाइन मतलब क्या नेकलाइन मतलब अ टॉल रेड कैंडल

तो नेक मतलब ऊपर वहां के पास क्लोज हुआ है ग्रीन कैंडल सोचो so, कितनी बारीकी है किसी ने किसी ने इसको बनाया है सी दिस इज लाइक अल्फाबेट्स ए बी सी डी ई एफ बट देन कोई वर्ड्स बना रहा है yeah. और वर्ड्स में कितनी क्रिएटिविटी हो सकती hmm. है तो so, कैंडलस्टिक में क्या है ना मल्टीपल कैंडल्स की यूज करके आप मल्टीपल पैटर्न्स बना सकते हैं और कंटीन्यूअसली इसमें इनोवेशन हो रहे हैं लोग नए-नए आइडेंटिफाई कर आप अपना भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं सो so, तो बट सो हाउ विल दिस डिनोट कि बुलिश है कि लंबा रेड कैंडल ये उसने डिफाइन कर दिया है okay. जिसने ये बनाया उसने डिफाइन कर दिया है कि क्योंकि क्लोज जो है वो उसके नेक के पास में दिया है तो उसने कहा है कि इसने बुलिशनेस होने की प्रोबेबिलिटी हाई है okay. अब ये कैसे पता लगा उसको सालों साल उसने बैक बैक टेस्टिंग करके फिर उसने देखा होगा कि 70 ऑफ द टाइम ये वर्क करता है okay. तो फिर उसने बोल दिया कि हाँ चांसेस है कि इसमें बुलिशनेस कंटिन्यू हो सकता है ओके। okay. ओके। okay, दूसरा देखते एक, एक, देखिए तो तो बो, मतलब हमने स्टॉकेज में आई में सारा डेफिनेशन दे रखा है तो आपको चिंता की कोई बात नहीं है पर आपको एक एक करके देखना जरूर पड़ेगा मार्यूबोजो मतलब इट इज अंडस्टिक पैटर्न इन विच देर इज अ लॉन्ग

और अगर वो ग्रीन है तो बुलिश मारे तो अब जैसे स्टॉक है ट्रेंट हमारे पास आ रहा है लिस्ट में ट्रेंट आ रहा है जो कि इस तरह का पैटर्न दे रहा है तो हमको क्या समझ में आ रहा है कि ट्रेंट के अंदर में एक नेगेटिविटी है और ये कैंडल के हिसाब से भी ये नेगेटिविटी कंटिन्यू होनी चाहिए राएट, राएट। इसका मतलब ये नहीं कि हम देंगे लेकिन नोट डाउन करेंगे हमारा पैटर्न में आ गया है कि ये बेचना कब है वो तो आपका प्राइस एक्शन ही डिसाइड करेगा और प्राइस एक्शन मतलब डिमांड जोन और सप्लाई जोन देख के बेचना है जरूरी नहीं कि मॉर्निंग नेक्स्ट डे आके ही अपने बेच दिए एक और तरीका है ये कैंडल स्टिक का स्टडी का फायदा उठाने का कि मल्टीपल पैरामीटर्स स्टॉकेज में जैसे कई सारे स्कैन अवेलेबल है मैं डिस्कस करूंगा सारे स्कैन धीरे धीरे मल्टीपल पैरामीटर्स को मर्ज करके एक कॉम्बिनेशन जब आप क्रिएट करते हैं कि मुझे वो सब स्टॉक्स बताओ जिसमें मूविंग एवरेज भी हाई है जिसमें डिलीवरी भी बहुत हुआ है और जिसमें कोई कैंडल पैटर्न भी आया है hmm. तो जब आप वो स्कैन करते हैं और जब दो तीन स्टॉक के नाम आएंगे तब आपको पता है कि वो इफेक्टिव स्टॉक हो सकते हैं ओके okay. okay. तो स्कैनर्स में कैंडलस्टिक का बहुत बड़ा रोल है स्टैंड hmm. लोन खाली कैंडलस्टिक को देख के ट्रेड करना और उसमें बहुत पैसे बन जाएंगे आई एम नॉट श्योर बिकॉज मेरे को कभी भी खाली कैंडल स्टिक ने हेल्प नहीं किया है बट बाकी सारा फ्रेमवर्क प्लस कैंडल स्टिक जो मुझे कन्विक्शन देता है कि हाँ लग तो रहा है hmm. वो फ्रेमवर्क एक बेटर फ्रेमवर्क है okay. तो आपको उस फ्रेमवर्क में जाना चाहिए okay. अभी मेरे हिसाब से जब आप चालू कर रहे हैं तो थोड़ा स्लो जाइए कैंडल स्टिक में उसको hmm. एप्लीकेशन को समझिए फ्रॉम द शेप एंड साइज ऑफ द कैंडल प्लस इनके जो हाई लो हैं वो एक इंपॉर्टेंट लेवल से इनको मार्क कीजिए स्पेशली फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिमांड जोन एंड दी सप्लाई जोन जनरली मैं क्या करता हूँ अनुपूर्णा uh, मैं दो टाइम फ्रेम देखता हूँ डेली और टू आवरली तो डेली में मैं कैंडल स्टिक नहीं देखता हूँ उतना मैं क्लोजिंग को ज्यादा वैल्यू देता हूँ बिकॉज घर क्लोजिंग पे जो प्राइस है वो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है लेकिन टू आवरली में मैं हाई लो कैंडल को देखता हूं क्योंकि टू आवरली में ऑपरेटर का एक्शन में ज़्यादा बेटर तरीके से जज कर पाता हूँ पूछिए तो सर अगर मैं सपोर्ट मार्क करूँगी तो मैं लो लूँगी या जो लो ओके okay. जो जो विक है हाँ। विक क्योंकि पूरे दिन भर में अगर सेम लेवल पे आया है आज भी कल भी तो अगर लो सेम है लास्ट दो तीन दिन से या मोटा मोटी सेम है तो फिर वो इम्पोर्टेंट लो है ना ओके okay. ओके okay. क्लोजिंग अगर खाली देखोगे तो थोड़ा सा डिसेप्टिव हो जाएगा। hmm. तो लो देखोगे तो और बेटर तुमको जजमेंट होगा कि ऑपरेटर इंट्राडे में लो में यहाँ पर खड़ा है और के uh, के लिए हाई, हाई। resistance के लिए हाई। oh. तो मल्टीपल पॉइंट्स पे अगर हाई आ रहे हैं या रेंज पे आ रहे हैं एक चीज और अनुपूर्णा में आपको बताना चाहूंगा कि कभी भी जब भी आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट देखें ना तो कोई एक लाइन मत ड्रॉ कीजिए दिस इज एक्चुअली नॉट द राइट वे बिकॉज अब क्या हो गया ना कि जरूरी नहीं कि यही प्राइस पे सब सबको आएंगे तो एक रेंज बनाइए कि ये रेंज है डिमांड जोन और सप्लाई जोन तो रेंज बनाने के लिए आप सिम सीधा लाइन नहीं करके आप इस तरह का पैरल चैनल कुछ क्रिएट कर सकते हैं कि तो दो हाई को आप जोड़ लीजिए तो आपको एक दिख जाएगा कि रेंज है पिछले बार इसका हाई था एट एटी थ्री अब इसके बाद इसका हाई था एट एटी फाइव तो एट एटी थ्री से एट एटी फाइव का एक जोन है कभी भी एक सिंगल लाइन मत कीजिए वो हमेशा डिसेप्टिव हो सकता है यहाँ का देखते हैं नीचे वाला देखते हैं ये यह देखिए यहाँ पर एक है ना तो ये लो और ये वाला लो एक्सप्रे मार्श तो ये डिमांड जोन हो गया और वो सप्लाई जोन हो गया ओके

प्रैक्टिस चालू करते हैं बिकॉज दिस साइंस इज इट कैन गो टू एनी एक्सटेंट ऑफ ए लर्निंग तो चालू करने के लिए इट्स अ गुड साइंस टू नो बट एडवांस में और अगर आपको पढ़ना है तो बहुत अच्छी अच्छी बुक्स के ऊपर में हैं. तो आप इस पर और डीप जा सकते हैं बट इस वीडियो के लिए अपनी यहीं पर रखते हैं तो ये था दोस्तों एक वीडियो छोटा सा इंट्रोडक्शन वीडियो कैंडसिक के ऊपर में आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा uh, समझाने की कोशिश किया है ताकि बहुत ही सिंपल फ्रेमवर्क में आप इस पैटर्न का रेलिवेंस समझ पाए अब आपके ऊपर आप इसको प्रैक्टिस करना चालू करिए बिकॉज ये एक ऐसी चीज़ है जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप परफेक्शन की तरफ मूव कर पाएंगे दोस्तों धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए और मेरे काम को दूसरे लोगों के साथ शेयर करने के लिए बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है बड़ी खुशी होती है कि आप लोग सबको इससे फायदा उठा पा रहे हैं और अनुपूर्णा चीज तो उठा ही रही हैं तो आप भी डेफिनेटली इसका फायदा उठाइए थैंक यू बाय